देश में शुक्रवार की शाम को ईद का चांद नजर आया, इसी के साथ अब शनिवार को ईद मनाई जाएगी। लखनऊ में चांद नजर आया, लखनऊ से शिया चांद कमेटी ने चांद के दिखने का ऐलान किया। देश में माह रमजान में आखिरी जुमे को अलविदा नमाज पढ़ी गई, इसी के साथ इबादत और पाकिजगी वाले रमजान के 29 रोजे पूरे हुए। शाम को लोगों ने बेसब्री से ईद के चांद का इंतजार किया। आखिर शाम को दीदार चांद हुआ। रमजान का पाक माह पूरा होने के बाद इस्लामिक कैलेंडर के शव्वाल महीने के पहले दिन ईद मनाई जाती है। दुनिया भर का मुस्लिम समुदाय इस पाक महीने में रोजा रखता है। पूरे महीने अल्लाह की इबादत की जाती है। सिलसिले में इस्लामिक सेंटर की तरफ से यही गाइडलाइन जारी की गई है कि सब लोग सुबह सवेरे ईदगाह में नमाज अदा करें, और नमाज अदा करने में अपने लिए, अपने घर वालों के साथ साथ मुल्क की तामीर तरक्की और हिफाजत के लिए खुसूसी दुआएं करें, और कहीं पर भी सड़कों पर बग़ैर ज़रूरत नमाज ना अदा की जाए, जिससे कि लोगों को आने जाने में कोई ज़हमत परेशानी न। ये हमारे मुल्क में ईद का चांद नज़र आ गया है और कल इंशाअल्लाह ईदुल्फ़ित्र मनाई जाएगी। हम तमाम फरजंदान तौहीद और तमाम देशवासियों को ईदुल्फ़ित्र की मुबारकबाद पेश करते हैं। हम लोग आपस में ईद का त्यौहार जो गले मिलते हैं, वो वाकियन सिर्फ सीनों को टकरा कर गले ना मिलें, बल्कि हकीकत में गले दिल से मिलें और अपने यहाँ मुल्क के अंदर भाईचारे को और मजबूत। आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद। ये गले मिलने का त्यौहार, सिवई खिलाने का त्यौहार, मिठास बांटने का त्यौहार, हमारे लिए एकता की मिसाल का ये त्यौहार आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और एक दूसरे से मिलकर रहिए, खुशियां बांटिए, खुशियां शेयर करिए। यही दुआ करते हुए आप सबको एक बार फिर से ईद की मुबारकबाद। गाजियाबाद में ईद को लेकर पुलिस अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। वहीं पुलिस वाहनों से भी पेट्रोलिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार त्योहारी सीजन होने की वजह से पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। बाजार हो या दूसरे इलाके, फ्लैग मार्च करते पुलिस की टीम जगह जगह इलाकों पर नजर रखती पुलिस की टीम नजर आई।